अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल शहरियार यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट शहरियार। तो दोस्तों, यहां पर जो है कुछ लोगों के लिए यहां पर एक में कमेंट है, इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई से देन यू कैन टर्न ऑन कैप्शंस। तो दोस्तों, अगर आप जो है अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो है आपका मोबाइल आपको शो नहीं होता, आपकी डिवाइस जो है कनेक्ट नहीं हो रही, तो इसका क्या हल है वो मैं यहाँ पर इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने सिंपली जो है इसको मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज करने के बाद आपने जहाँ पर दिस पीसी लिखा हुआ है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज में चले जाना है। अगर आपको यहाँ पर दिस पीसी आपके पास यहाँ पर माय कंप्यूटर का ऑप्शन ना आ रहा हो तो आपने सिंपली जो है यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो आपके पास सेम पेज आ जाएगा। जब आपके पास ये पेज आ जाए तो यहाँ पर जो है आपने डिवाइस मैनेजर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप डिवाइस मैनेजर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। और जब आपके पास यहाँ पर इस तरीके की विंडो ओपन हो जाए तो आपने यहाँ पर फाइंड करना है कुछ इस तरीके का, अगर आपको सिंबल नजर आ रहा हो तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें एक यहाँ पर नजर आ रहा है, एक हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर करें तो ये तो हमें बायोमेट्रिक के साथ कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फिंगरप्रिंट जो सेंसर है उसके लिए कह रहे हैं कि आप फिंगरप्रिंट सेंसर को जो है डिवाइस जो ड्राइवर है इसका इंस्टॉल नहीं है, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। हमने तो फिंगरप्रिंट को हमने क्या करना है, हमने करना है अपनी डिवाइस को कनेक्ट। और यहाँ पर देखें, मैंने जो है अपनी डिवाइस इस वक्त कनेक्ट की हुई है तो यहाँ पर ये कह रहा है आपका सैमसंग एंड्रॉयड जो है वो हमारे साथ कनेक्ट है लेकिन इसके ड्राइवर हमारे पास नहीं है। तो जैसे मैं इसको डिसकनेक्ट करूंगा तो यहाँ पर से ये ऑप्शन गायब हो जाएगा। और अगर आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन ना आ रहा हो तो आपने सिंपली अपनी डिवाइस को पहले कनेक्ट करना है वायर के साथ, पहले लैपटॉप में लगानी है और फिर मोबाइल में लगानी है, उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर मैं अपनी डिवाइस को डिसकनेक्ट करता हूँ तो यहाँ से ये ऑप्शन चला जाएगा। तो ये मैंने अपनी डिवाइस को डिसकनेक्ट किया और ये देखिए रिफ्रेश हुआ और यहाँ पर से वो ऑप्शन चला गया। अब मैं दोबारा से इसको जो है कनेक्ट करता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने डिवाइस को कनेक्ट किया है। और यहाँ पर ये देखें, मैंने डिवाइस लगाई है और जो है ये डिवाइस जैसे ही लगे ये रिफ्रेश हुआ और ये देखें सैमसंग एंड्रॉयड फिर से आ गया, मतलब यहाँ पर ड्राइवर नहीं है और जिसकी वजह से यहाँ पर जो है मेरी डिवाइस शो नहीं हो रही। अब डिवाइस को शो करने के लिए मैंने करना क्या है, मैंने सिंपली इसी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर सैमसंग एंड्रॉयड लिखा नजर आ रहा है, आपने सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने इसको अपडेट ड्राइवर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं अपडेट ड्राइवर के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपने सर्च ऑटोमेटिक कर देना है तो ये एक सेकंड के अंदर या दो सेकंड के अंदर आपका जो है काम हो जाएगा। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ये देखें यहाँ पर सर्चिंग हो रहा है, तो एक सेकेंड तो मैंने चलो कह दिया, एक मिनट लगा लेते हैं, बस इसने सर्च करना है, इंस्टॉल करना है, हो जाना, आधा मिनट ही लगेगा हमारे पास। यहाँ पर ये इसको सर्च कर रहा है तो सर्च करने के बाद उसी वक्त ये इंस्टॉल हो जाएगा और हमारी जो डिवाइस है वो हमें शो हो जाएगी। तो हम यहाँ पर करते हैं थोड़ा सा वेट। तो यहाँ पर देखें अभी वेट मैंने नाम ही लिया है, यहाँ पर इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स हो चुका है और ये इंस्टॉल भी हो चुका है। जैसे ही इंस्टॉल हुआ यहाँ पर डिवाइस भी आ चुकी है। मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको भी यार दोस्तों क्लोज करता हूँ और ये देखें यहाँ पर अब कितनी पोर्ट्स जो है यहाँ पर शो हो रही है। मैं इसको क्लोज करता हूँ और क्या बात है, यहाँ पर देखें हमारे पास शहरयार गैलेक्सी A11 यहाँ पर शो हो चुका है। मैं इसको ओपन करता हूँ और ये देखें हमारा फोन जो है वो इस वक्त कंप्लीटली तौर पर इसके साथ जो है वो कनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़ दुआ में याद रखिएगा।